आज मैं आपसे बात करूंगा योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नेटवर्क का इंपॉर्टेंस क्या है और वो नेटवर्थ बढ़ाने में कैसे मदद करता है। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सीओ, आइए चालू करते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ यह सबसे पहले इस्तेमाल किया था पोर्टर गेल, यह ऑथर ने, यह कॉइन उन्होंने किया सबसे पहले। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ और उनका यह खोज है। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क है अ ग्रुप और सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पीपल और वी इंटरेक्ट विद अदर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डेवलप प्रोफेशनल और सोशल कॉन्टैक्ट्स। तो एक लोगों का समूह है या ग्रुप है कि जो मिलता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, आपस में मिलता है। क्यों मिलता है? कि प्रोफेशनल और सोशल कॉन्टैक्ट्स अपने बढ़ाने के लिए। नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल योर लाइबिलिटीज। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब आपकी इक्विटीज, मतलब आपके स्टॉक्स में है, गोल्ड में है ना, बाकी फिर हाउस में है, फिक्स डिपॉजिट है, रियल इस्टेट है, कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया है। और आपके ऊपर लाइबिलिटी कौन सी है? लाइबिलिटी हो सकती है कि आपके ऊपर कर्जा है, घर के लिए कर्जा है, दुकान का कर्जा है, कार, क्रेडिट कार्ड लोन, इंश्योरेंस, मतलब जितना भी आउटफ्लो है, आपके खर्चे हैं और जितने भी लाइबिलिटी आपके ऊपर है, लोन्स है, कर्जे है, तो वो इन्वेस्टमेंट से निकाल दो तो वो हो गया आपका नेटवर्थ। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में 100 रुपये है और आपने समझो बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखे हुए है या कहीं भी है, मगर आपके ऊपर 120 का लोन है, तो आपका नेटवर्थ -20 होगा। और यदि आपके पास में 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है और लोन आपके ऊपर 50 का है, तो आपका नेटवर्थ हो गया ₹50, 50 रुपये हो गए। तो भाई नेटवर्थ कैसे बढ़ाना? हर कोई रहता है कि भाई पैसे कमाना और पैसे कमा के वो बढ़ाना कैसे। अब मैं देखा होगा कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो है उनकी बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें कि मैंने 8 लिए, टॉप 8 जो बाहर के देश के हैं और 2 हमारे देश के लिए मैंने, तो ये लिस्ट आपके सामने है, जिसमें एलॉन मस्क, बर्नार्ड अर्नॉल्ट, लैरी एलिसन, जेफ बेजोस, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, स्टीव बॉलमोर, लैरी पेज, ये सब सीरियली है। $237 बिलियन का नेटवर्थ जो है वो एलॉन मस्क का है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो है। हमारे देश के मुकेश अंबानी है जिनका $82 बिलियन है और गौतम अदानी जो है वो $64.2 बिलियन है। तो ये नेटवर्थ हो कैसे होता है कि भाई जब आप अपनी कंपनी लिस्ट करते हो, लिस्ट स्टॉक अपना जो है उसका मतलब लिस्टेड कंपनी बनाते हो, तो उसकी फिर नेटवर्थ बनती है कि भाई नहीं, आपकी कीमत तैयार हो जाती है। नहीं तो आप वैसे आपके पास में बहुत बड़ी जायदाद है, कीमत है, सब कुछ है, मगर आपकी नेटवर्थ मालूम नहीं पड़ती कि कितनी है नेटवर्थ आपकी। तो जब तक आप लिस्ट नहीं करोगे तभी भी तब तक फायदा नहीं दिखेगा। देखो धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इनको क्रिकेट से जितना पैसा नहीं मिला उसे कई गुना ज़्यादा उनको उनके नेटवर्क से मिला, उनके फैन फॉलोइंग से मिला। बूस्ट की जाहिरात करो, MRF टायर की जाहिरात करो, है ना, वहाँ से ज़्यादा पैसा कमाया सचिन तेंदुलकर ने। और वैसे ही विराट कोहली का है कि एक इंस्टाग्राम में किसी की ऐड करना है, एक पोस्ट डालना है तो करोड़ों रुपये लेता है वो। फैन फॉलोइंग इतना है, इतना नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क बन जाता है नेटवर्क से। ऐसा बोला जाता है कि आपके दोस्त और आपकी ग्रोथ ये सेम होती है। कितने आपके पास में दोस्त है, कितने फ्रेंड्स हैं आपके पास, और वो आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स है, बिजनेस फ्रेंड्स है, तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा बोला जाता है कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर इनकम। आपके दोस्त मेरे को बताओ कौन कौन है, मैं आपका इनकम बताता हूँ कितना है। या ऐसा बोला जाता है कि योर इनकम इज द एवरेज ऑफ 5 persons इनकम यू आर हैंगिंग अराउंड। मतलब आपके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं उसमें से 5 लोगों का आप एक इनकम बताओ, उसका एवरेज निकालो और वो आपका इनकम है या आपकी उतनी नेटवर्थ है। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब है कि समान इंटरेस्ट के लोग जो है, जिनका इंटरेस्ट सरीका है, जिनकी पर्सनैलिटी सरीकी है, कैरेक्टर सरीका है, तो वो लोग साथ में हरदम रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उनका नेटवर्क बढ़ते जाता है।
लाइक बींग्स लाइक टिपिकली ह्यूमंस ऑफ सिमिलर टाइप इंटरेस्ट पर्सनैलिटी कैरेक्टर और अदर डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट टेंड टू म्यूचुअली एसोसिएट, साथ में रहते हो. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नेटवर्क इन स्टार्टिंग और एक्सपांडिंग ए बिजनेस. यदि आपको बिजनेस स्टार्ट भी करना है एक्सपांड करना है तो नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ इसमें होता है. कितना बड़ा नेटवर्क आप तैयार करते हो. नेटवर्क एक्चुअली इज H2H. H2H मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन. नेटवर्क ह्यूमन से होता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, कनेक्शन होता है नेटवर्क का. कंपनी जो है ना, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स या ऐसे बड़े बड़े लोग हायर करते हैं तो उनका ज्ञान तो है, इसलिए तो हायर करती ही है, मगर उनके यदि सोशल कॉन्टैक्ट्स बहुत है, उनका नेटवर्क बहुत है, उनके फॉलोअर्स बहुत है, ऐसे लोगों को मिले तो उनको पहले हायर करेंगे. सो कंपनीज पे गुड सैलरी फॉर ए पर्सन हु हैज गुड सोशल कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्किंग माइंडसेट. हाँ, 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो कुड नॉट रीच इलॉन मस्क, शाहरुख खान, मुश्किल था उनके पास जाने के लिए हमको. मगर आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम दुनिया तक, कोई भी व्यक्ति तक हम पहुंच सकते हैं. हम ऐसा बोलते हैं कि भाई आप दुनिया के कोई भी व्यक्ति तक सिर्फ 6 कॉल में पहुंच सकते हैं. 6 कॉल्स करने पड़ेंगे आपको, वो व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे, पहुंच सकते हैं मतलब, क्योंकि इतना कम्युनिकेशन अभी फास्ट बढ़ा हुआ है. सो टुडे नो एक्सक्यूज फॉर यू टू कनेक्ट. सी राइट टॉक विच कैन मेक यू कनेक्ट टू अदर पीपल, है ना. आप लोगों को देखो, आपको आप लिखो, आप लोगों से बात करो और लोगों से आप कनेक्ट करो. सो नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या है? नेटवर्क बढ़ाने के लिए है आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा. बाय मेल, ईमेल लिखना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं, आपके खुद के व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, सबके ऊपर आपका प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है ताकि आप वैल्यूएबल बन जाते हो, लोगों के सामने आते हो. आस्क पीपल व्हाट रेफरेंस दे कैन गिव. जब भी आपको रेफरेंस चाहिए लोगों को पूछो, और आप लोगों को दिखना चाहिए. ये सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को दिखते हैं. ऐसा बोलता है कि जो दिखता है वही बिकता है. सो इफ यू वांट टाइम फ्रॉम अदर पर्सन, मतलब लोगों का टाइम यदि आपको चाहिए, उनके साथ में बैठना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो पर्सन को कॉन्टैक्ट करने के पहले होमवर्क करना पड़ेगा. वो पर्सन करता क्या है, क्या खाता, क्या पीता, क्या उसका इंटरेस्ट है. और आपको फिर उनके साथ में जब आप मिलते हैं तो ऐसा फालतू की बातें करके उनका भी टाइम लेने लगा, अपना भी टाइम नहीं गंवाना फालतू का. रिसर्च करो और देन लोगों से कॉन्टैक्ट करो. लोगों का टाइम बाद में लो, स्पेसिफिक सवाल करो. लोगों को बहुत मजा आएगा यदि आप मिलेंगे उनको, तो लोगों को मजा भी आता है लोग जब मिलते हैं तब. सो रीच आउट टू पीपल हु आर एक्सपर्ट इन द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व. आप लोगों की मदद मांग सकते हैं. जैसा आपको जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कौन सा, उसके साथ में बात करो, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपको मदद करेगा. जिनको भी आपको कनेक्ट करना है, राइट टू पीपल यू वांट टू कनेक्ट टू, उनको मेल लिखो, व्हाट्सएप लिखो, जो भी कर लिखना है, खत लिखो. बी थॉटफुल, डू रिसर्च विद गुड कंटेंट. यदि आप किसी को मेल लिखते हैं, आप अच्छा कंटेंट तैयार करो, पावरफुल कंटेंट तैयार करो, पावरफुल लिखो, ताकि उसका पहले 2 लाइन में ही उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचे जाना चाहिए. और आप रोते रोते लिखेंगे, मैं गरीब हूँ, मुझे ये मदद चाहिए, प्लीज़ डू दैट, मतलब हाथ जोड़ रहे, जैसा कुछ माफ़ी मांग रहे हैं, मेल लिख रहे, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा, आपको कोई रेस्पॉन्ड भी नहीं करेगा. तो आपको किसी को मेल लिखना है, लेटर लिखना है, तो बी थॉटफुल, कंटेंट अच्छा लिखो, फर्स्ट क्लास काम करो. लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, सब जो लीडर्स हैं ना, और लीडर मैं बोलता हूँ कोई भी क्षेत्र के लीडर, दे आर वेरी एक्टिव ऑन दिया. वो मतलब जितने भी मैंने अभी बताया उसके ऊपर बहुत लोग एक्टिव है. लिंक्डइन में आप लिखते हैं, प्रोफेशनल टिप्स देते हैं लोगों को, थॉट्स डालते हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे क्योंकि आप वैल्यूएबल कंटेंट लोगों को दे रहे हैं. मैं खुद यूट्यूब में एक्टिव हूँ और यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स है, वो इसीलिए है कि भाई मैं कंटेंट डालते रहता हूँ, लोगों को ठीक लगता है, लोग देखते रहते हैं. यदि आपको चाहिए कि किसी से कनेक्ट मांगना है, तो आपको वो व्यक्ति से मांगना पड़ेगा कि जो रिलायबल है. ऐसा भी है ना. सो गो टू समवन हु इज अ रिलायबल कनेक्ट, मतलब कनेक्शन देने वाला कनेक्ट जो है वो भी अच्छा होना चाहिए. गेट कनेक्ट फ्रॉम कॉमन फ्रेंड्स. ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन लो कि जिसके साथ में आपको कनेक्ट करना है वो व्यक्ति और मेरा कॉमन एक फ्रेंड है, और वो रिलायबल है मगर, और वो आपको कनेक्शन दे रहा है. तो ऐसे व्यक्ति से आप कनेक्ट लो, उसको बोलो कि क्या मैं आपका नाम बोल सकता हूँ उनको जब मैं मिलूंगा. तब आपका नाम उन्होंने दिया, आपका रेफरेंस उन्होंने दिया है, इसलिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया. ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा आदमी होना.
ए पर्सन हुम यू कैन ट्रस्ट, आस्क हिम टू गिव कनेक्ट्स, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो उसको बोलो कि अच्छे कनेक्ट दो, क्योंकि जो वो कनेक्ट है वो यदि फोन करता उसको बोला हाँ मैंने उसको भेजा है भाई, मैंने कॉन्टैक्ट करने के लिए उसको भेजा। आपके पास में ऐसे फ्रेंड्स होना चाहिए, ऐसे कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा नेटवर्क होना चाहिए कि जो आपके बहुत वेल विशर है, आपके दोस्त है और आप उनको रेगुलरली मीट कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों के साथ में आप नेटवर्क तैयार करो कि जो आपका स्वॉट एनालिसिस करते हैं, और स्वॉट एनालिसिस करते हैं मतलब आपकी स्ट्रेंथ्स आपको बताएंगे, आपकी वीकनेसेस बताएंगे, मतलब आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियाँ क्या है, आपको कौन से मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज कौन से हैं, आपको धोखा कहाँ है, थ्रेट्स कहाँ हैं, ऐसे सब बता सकते हैं। ऐसे क्रिटिसाइज करने वाले, सजेशंस देने वाले ऐसे लोग आपके साथ में रखो, ऐसे लोग रखो कि जो फीडबैक दे रहे हैं। ऐसे आपके साथ में नेटवर्क में लोग होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। आपको आपकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जब आपकी वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो फिर वैल्यूएबल लोग आपके साथ में आएंगे, उसमें मैजिक काम में आता है। सो, आप भी ऐसे लोगों के पास में जाओ जो वैल्यूएबल है, और आपकी खुद की वैल्यू बढ़ाओ कि लोग आपके पास में आएंगे, तो देखो नेटवर्क कैसा जोर से बढ़ेगा। रियल लाइफ टाइम मीटिंग लोगों से करते हैं, मीट करो लोगों से, बात करो, वन टू वन टाइम लो, आपको किसी के साथ में बात करना है, टाइम बिताना है, उसको बोलो कि चलो आज लंच पे बैठते हैं, डिनर पे बैठते, खाना खाएंगे साथ में, खाने पे ले जाओ उसको, हैव ए डिनर विद हिम। और पहली मीटिंग है ना, उसमें कोई एजेंडा ही मत रखो, सिर्फ बातचीत करना, पूछना, कोई बिजनेस की बात नहीं, कुछ नहीं, सादी सिंपल पॉलिटिक्स की बात करो, स्टोरीज उसकी सुनो कि क्या स्टोरी उसकी है, कितना स्ट्रगल उसने किया होगा, टॉक अबाउट इज इंटरेस्ट, उसके क्या इंटरेस्ट है। नो ऐसा रूल, मतलब ऐसा कोई फालतू की बातें नहीं करना, ऐसा टाइम पास नहीं करना, गॉसिपिंग नहीं करना, और वो व्यक्ति का आपने दोस्त होना जरूरी है, शुड बिकम ए फ्रेंड टू हिम। फिर व्यक्ति के साथ में आप सेकंड मीटिंग कर सकते हो, सेकंड मीटिंग में आप जब करेंगे तब भी उसका टाइम लेके सेकंड मीटिंग करो, उसमें 50% जनरल टॉक होना चाहिए, कैजुअल टॉक, और 50% फिर बिजनेस का टॉक होना चाहिए, वो कौन सा बिजनेस करता है, वो बिजनेस में उसको क्या जरूरत है, मैं कैसी जरूरत उसकी पूरी कर सकता हूँ, मुझे कैसा कनेक्ट मिल सकता है, मैं उसके बिजनेस में कैसा पार्टिसिपेट करता हूँ, क्या वो मेरा वेंडर बन सकता है कि मैं उसका वेंडर बन सकता हूँ, और फिर वो कुछ बोलेंगे आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, वो देखेंगे कि आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ क्या है, समझो। तो फिर आपने उसको तुरंत जवाब देना चाहिए, आपकी मीटिंग खत्म होने के बाद में उसने कुछ माहिती पूछूंगी, तुरंत ताबड़तोब आपको उसको रिप्लाई देने का है, उसको थैंक यू मैसेज भेजो। ऐसा नहीं कि उसने कुछ पूछा है आप रिप्लाई नहीं दे रहे, एक हफ्ते बाद में दे रहे, तो बोलेंगे यार ये बात करता है, काम का आदमी नहीं है, एक्शन नहीं लेता, ऐसा बोलेगा। जब आप मिलते तब आप क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा डेमोन्स्ट्रेट करो, उसको पूछो कि उन्होंने कैसा बिजनेस डेवलप किया, उसको सवाल पूछने में कोई ऐसी हिम्मत करो कि भाई कैसा सवाल पूछूं, कोई शर्मा शर्मे की बात नहीं है। जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं ना, तो उनको बहुत मज़ा आता है अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, उन्होंने कैसा स्ट्रगल किया, उनकी स्टोरी क्या थी, उनको बोलने के लिए उद्युक्त करो, और आप देखो कि आप उसके बिजनेस में क्या कर सकते हो, वो देखते रहो, सुनते रहो, सीखते जाओ, और मीटिंग होने के बाद में उसको थैंक यू मैसेज भेजो। फिर बाद में उसके बर्थडे पे विश कर सकते हैं, दिवाली ग्रीटिंग, मतलब बाकी फिर आप उनके साथ में चर्चा कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप, बाय मतलब पोस्ट, कुछ भी हो सकता है, और आप कनेक्टेड रह सकते हैं। आपको नेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्किंग मीटिंग्स रहती है स्पेशली, वो आपने अटेंड करना चाहिए, जैसे लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, यंग इंडिया बिजनेस क्लब है, फिर सैटरडे क्लब है, BNI है, ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है कि जहाँ आप जाते हो, आपके समाज के कोई क्लब्स होंगे, है ना, मारवाड़ी समाज के, ब्राह्मीण समाज के, गुजराती समाज के, सिंधी समाज के, ऐसे अलग अलग क्लब्स रहते हैं, वहाँ जाओ। जाने के पहले वहाँ कौन कौन आने वाले हैं उसके बारे में सोचो कि कौन आ सकता है वो मीटिंग में आज, उसके वो जो कम्युनिटी है उसका प्रेसिडेंट, उसको पूछो कि आज किसने किसको किसको आपने बुलाया है, वहाँ जाके मैं किससे बात कर सकता हूँ, अपना विजिटिंग कार्ड अपने पास में रखो, उसको दो विजिटिंग कार्ड, आपका प्रेजेंस बताओ वहाँ, और वहाँ खाने में ज़्यादा टाइम मत गवाओ। क्या होता है कि लोग खाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और मीटिंग में जाएंगे तो पहले खाने के लिए दौड़ेंगे, खाना मत, आपको नेटवर्किंग करना ना, खाना ही नहीं खाना मीटिंग में, लोग खाना खा रहे हैं उसमें आपने उसके अंदर उसके साथ में नेटवर्किंग करना है, खाना बाहर खा लो बाद में आराम से। लोगों को सवाल पूछो, नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चंस, कि वो सवाल का जवाब जल्दी दे सके।
तो कोई भी मीटिंग में जाने के पहले प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, आपका काम क्या है उसका प्लान तैयार करो और फिर जो प्लान तैयार किया उसके ऊपर काम करो जब आप मीटिंग में जाएंगे तो। देखो, जाने के पहले मैं कितनी लीड्स ले सकता हूँ, किसको किसको मिलना है, कौन कौन आ सकता है, और लीड्स का टारगेट भी रखो कि मैंने कितने लीड्स लेना चाहिए। जब नेटवर्क मीटिंग में आप मिलते हैं तो लोगों को, लोगों से बात करो, खुद होकर बात करो, कॉन्फिडेंट रहो, लोगों के नाम याद करो। आजकल तो क्या, लोगों के फ़ोटो भी मिल सकते हैं पहले, मिलने के पहले भी। तो समझो आप किसी को मिलते हैं, यस मिस्टर जॉन, तो उसको लगे यार इसको कैसा नाम मेरा मालूम है, कभी मिला नहीं है, क्योंकि जॉन का फोटो आपने फेसबुक पे देखा है या और कहीं देखा हुआ है। और फिर आप उसको जाके बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, यार मेरे नाम से पुकारा है, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा और मीठा आवाज़ जो है वो है अपना खुद का नाम। और वो आप किसी का नाम पुकार के आपको बोलते हैं ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट करो, वो इवेंट जो हो रहा है नेटवर्किंग का उसमें पार्टिसिपेट करो। आपको कॉम्पेयरिंग करना है तो कॉम्पेयरिंग करो, सभा संचलन स्टडी करो, जाने के पहले मेरे को क्या बोलना है रिसर्च करो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए जब आप कॉम्पेयरिंग कर रहे हैं, या थैंक्स गिविंग का भी आप काम ले सकते हैं सभा में, क्योंकि वो भी नाम लोगों को याद रहता है कि भाई थैंक्स गिविंग किया उसने, उसने सभा संचालन किया या इंट्रोडक्शन दिया किसका, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। लोग अपने आप में इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको बोलना है तो, जब आप मीटिंग में जाते हैं तो, और लोगों को सुनना चालू करो, स्टार्ट लिसनिंग। कभी भी आप किसी को सवाल करेंगे तो हाँ ना में जवाब है, ऐसे सवाल मत करो, यस नो ऐसा नहीं आना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्या आपका खाना हो गया, बोलते हाँ हो गया या ना हो गया, ऐसा पूछ के नहीं। आपने खाने में क्या क्या खाया, या खाने में आपको क्या अच्छा लगता है, सवाल अलग। कनेक्ट विद पीपल एंड बी रियली इंटरेस्टेड इन देम, सचमुच उसमें लोगों में इंटरेस्ट बताओ। जिग ज़िगलर का बहुत ही फेमस कोट है, यू कैन हैव एवरीथिंग इन लाइफ यू वॉन्ट इफ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल गेट वॉट दे वॉन्ट। तो लोगों को क्या चाहिए वो लोगों को देना चालू करो, खुद के लिए नहीं, लोगों को, और फिर आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। कुछ कोर्स आपको बताता हूँ और उसके बारे में डेफिनेटली आप चर्चा कर सकते हैं, अपने मन में सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं अपने नेटवर्किंग में। कुछ कोर्स है, नेटवर्किंग इज अ लॉट लाइक न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, वी नो व्हाट टू डू, द हार्ड पार्ट इज मेकिंग इट अ टॉप प्रायोरिटी, हर्मिनिया इबारा इन्होंने कहा है। द करेंसी ऑफ रियल नेटवर्किंग इज नॉट ग्रीड बट जेनरॉसिटी, किथ फेराजी इन्होंने कहा है। नेटवर्किंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस, इट टेक्स टाइम एंड व्हेन डन करेक्टली कैन यील्ड ग्रेट रिजल्ट्स फॉर इयर्स टू कम, डेन हेल्बर इन्होंने कहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, नेटवर्किंग करो और अपने नेटवर्थ बढ़ाते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।